नया चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर जो लॉ के बारे में बताता है, उस लॉ का नाम क्या है? लॉ का नाम क्या है? टॉट। क्या है? टॉट लीगल टर्म है, ठीक, समझेंगे। टॉट जो वर्ड है हैज बीन डिराइव फ्रॉम दी लैटिन वर्ड। लैटिन क्या है? लैंग्वेज, ठीक है, रोम की लैंग्वेज है, जैसे हिंदी जैसे इंग्लिश वैसी लैटिन। कहाँ से आया था? टॉटम। तो अगर पूछा जाएगा टॉट किस लैटिन वर्ड से है, तो वो लैटिन वर्ड क्या है? टॉटम। और टॉटम का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना, ठीक है, ट्विस्ट करना थोड़ा सा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूं टॉट का मतलब क्या है? टॉट इंग्लिश मीनिंग है रॉन्गफुल कंडक्ट, रॉन्गफुल एक्ट। वापस, टॉट एक लीगल टर्म है जिसका मतलब क्या है? गलत काम करना, रॉन्गफुल एक्ट। याद रहेगा टॉट मतलब क्या है? रॉन्गफुल एक्ट। लेकिन टॉट एक लैटिन वर्ड सा है, वो लैटिन वर्ड क्या है? टॉटम। उस टॉटम वर्ड का मतलब क्या है? ट्विस्ट करना, थोड़ा सा मोड़ना, तोड़ना मोड़ना, मतलब गलत काम करना, ठीक है। एकदम स्पेसिफिक मीनिंग में जाएंगे, दो टाइप के गलत काम होते हैं। रॉन्गफुल एक्ट की अगर मैं बात करूँ, रॉन्गफुल एक्ट बोलूँ तो दो रॉन्गफुल है, एक सिविल रॉन्ग है और एक क्रिमिनल। सिविल रॉन्ग मतलब पेट में चूरा घोप दिया, तो ये क्या हो गया? क्रिमिनल रॉन्ग। अरे झगड़ा किया, बदतमीजी करी, छोटे मोटे जो भी गलत काम है उसे हम क्या बोलेंगे? सिविल रॉन्ग। तो टॉट का मतलब क्या है? क्रिमिनल वाला रॉन्ग कि सिविल रॉन्ग? सिविल रॉन्ग। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी का कुछ आपने क्या कर दिया? नुकसान कर दिया, नुकसान हो गया किसी का, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया नुकसान को लेके, दैट वॉज क्रिमिनल रॉन्ग के सिविल रॉन्ग? सिविल रॉन्ग। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हुआ है? टॉट हुआ है। टॉट मतलब क्या? रॉन्गफुल एक्ट। एकदम स्पेसिफिक मीनिंग में जाओ तो कौन सा रॉन्गफुल एक्ट? सिविल रॉन्गफुल एक्ट की बात हो रही है, क्रिमिनल की नहीं। यहाँ तक चीज क्लियर है? लैटिन वर्ड से आया, वो लैटिन वर्ड क्या है? टॉटम। टॉटम का मतलब क्या है? टू ट्विस्ट, ठीक। चलिए, कुछ लोगों ने टॉट की डेफिनेशन दे रखी है अपने अपने तरीके से। एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है? लिमिटेशन। सॉरी स्क्रीन नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है? सिविल रॉन्ग है। ये क्या है? सिविल रॉन्ग है, जिसमें लीगल राइट्स को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है कि आपने मेरा कोई नुकसान कर दिया, आपकी लाइबिलिटी बनती है वगैरह वगैरह, तो ये सिविल रॉन्ग हो गए, ठीक है। टॉट की डेफिनेशन कुछ जगहों पे दे रखी है। सबसे पहली डेफिनेशन इन्होंने क्या बोली, कहाँ दे रखी है? लिमिटेशन एक्ट 1963। किसी भी एक्ट के पीछे ईयर दिया रहता है, दैट मीन्स उस ईयर में वो एक्ट बना है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट वर्ड से ही समझो। आप हमेशा ये नोटिस करते हो कि हर चीज की एक डेट होती है, हर चीज की एक डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कुछ गलत काम हुआ तो कोर्ट भी क्या बोलता है कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी टूट गई, सामने वाले ने किसी ने ठोक दिया, मैं जाके केस फाइल कर रही हूँ, 10 साल बाद अगर केस फाइल करूंगी तो क्या कोर्ट मेरा केस लेगा? क्यों नहीं लेगा? रीजन बताओ। 10 साल तक कहाँ थे बच्चा? एविडेंस दे पाओगे? प्रूफ दे पाओगे? सबूत भी मिट जाते हैं, आप खुद जानते हो, पेपर में अगर कोई साइन भी किया हुआ है वो पेपर कितना पुराना हो जाता है, गल जाता है, पुराना फटा हो जाता है, रखे रखे खत्म। तो कोर्ट बोलते हैं जितनी लेट आओगे उतनी दिक्कत जाएगी आपको एविडेंसेस दिखाने में। तो इसके लिए कानून बनाया गया है, वो कानून क्या है? लिमिटेशन एक्ट। क्या लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हो? नहीं, एग्जीक्यूटिव में पूरा एक चैप्टर है लिमिटेशन एक्ट पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर केसेस है तो कोर्ट में कब प्रेजेंट होना है, ठीक है। आपकी अदर देन प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कोई भी अलग अलग टाइप के केसेस बताएं, उससे रिलेटेड अगर आपके झगड़े हैं तो कोर्ट में कब प्रेजेंट होना है, तो वो लिमिटेशन एक्ट बताता है। इज दैट क्लियर? इंट्रोडक्शन समझ में आए, डिटेलिंग तो एग्जीक्यूटिव में बढ़ोगे। लिमिटेशन एक्ट ने बोला कि भैया हमने भी टॉट की एक डेफिनेशन दे रखी है, तो क्या दे रखी है पढ़ेंगे। एस ए सेलमेन, देन विंटविल, फ्रेशर, इन सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, चलो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट ने क्या डेफिनेशन दे रखी है, उनके अकॉर्डिंग टॉट क्या है? उनके अकॉर्डिंग क्या है? टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग। यहाँ तक तो चीजें हमें भी समझ में आए। विच इज नॉट अ एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल लैंग्वेज को रीड करना सीखो, साफ साफ बोल दिया टॉट मतलब क्या है हमारा? सिविल और रॉन्ग, सिविल रॉन्ग है, बाकी सारी चीजें नहीं है। क्या नहीं है? नॉट एक्सक्लूसिव, ये क्या नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट ने डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है टॉट हमारे हिसाब से क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, ब्रीच करना मतलब तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हो तो वो इसमें कवर नहीं होता है। और क्या तोड़ते हो? किसी का भरोसा तोड़ते हो तो इसमें कवर नहीं होता है। क्यों? एक्चुअल में हमारे देश में बहुत सारे कानून है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम सुना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने बोल रखा है कि पूरे केसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
ट्रस्ट एक्ट भी है, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी का भरोसा तोड़ते हो, ट्रस्ट डीड तोड़ते हो, तो उसके लिए भी अलग से कानून बना है। तो जो टॉट है, टॉट का जो आपका लॉ है, ये बस वन एंड ओनली किसको कवर करता है? सिविल रॉन्ग को। ये किसको किसको कवर नहीं करता है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नहीं कवर करता है। क्यों नहीं करता? उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि अलग से कानून बना है। जो कानून बना है, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो वो टॉट के लॉ के अकॉर्डिंग केस नहीं करेगा। किसके अकॉर्डिंग केस करेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ही ट्रस्ट एक्ट भी है। तो ये सारी चीजें इसमें कवर नहीं होती। पहली डेफिनेशन समझ में आई। दूसरी डेफिनेशन किसने दे रखी है? सेलमेंट ने। ये नाम इंडियन नेम है क्या? सब बाहर के लोग हैं, सबके बाहर के लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है। सेलमेंट क्या बोलता है? मेरे हिसाब से ये क्या है? टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग है, फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। फॉर द क्या लिखा है ये? अनलिक्विडेटेड। इस वर्ड का मीनिंग समझना है। एक होता है लिक्विडेटेड, एक होता है अनलिक्विडेटेड। ठीक है, एक होता है लिक्विडेटेड, दूसरा क्या होता है? अनलिक्विडेटेड। ठीक, इन्होंने कहा टॉट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करें। दीदी मीनिंग तो बताओ, समझना। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, आप इस बिल्डिंग के मालिक हो, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि आपको एक और फ्लोर बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक, आपके और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। टर्म्स एंड कंडीशन में आपने क्या लिखा कि अगर आप 1 साल के अंदर नहीं बनाते तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और मैंने भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखवा दिया कि अगर आप मुझे समय समय पैसे नहीं देंगे बनाने के लिए, तो मैं आगे काम करूंगी नहीं। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ती हूँ तो मुझे कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो तोड़ते तो वो कुछ कंपनसेशन देंगे। ऐसे ही अग्रीमेंट होता है, दोनों के कुछ ना कुछ लिखे रहते हैं। अगर आपस में दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि अगर हमें कोई नुकसान होता है तो कितना कंपनसेशन देना, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब अगर आपने खुद से डिसाइड कर रखा है, पार्टीज ने खुद से डिसाइड कर रखा है, क्या डिसाइड कर रखा है कि भाई कंपनसेशन देंगे अगर कुछ होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिक्विडेट डैमेजेस। अगर तोड़ दिया, मान लो उस ओनर ने तोड़ी, मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगी, मुझे पैसे दो, मैंने इसका इतना काम किया। मतलब कोर्ट मुझे वो पैसे दिलवा देगा। कॉन्ट्रैक्ट में खुद से अगर आप अपने नुकसान की भरपाई लिखते हो, उसे हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब आपने खुद से डिसाइड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चला रही थी, अच्छा खासा गाड़ी चला रही थी, किसी ने आकर मुझे ठोक दिया, फिर मैं क्योंकि मेरा नुकसान करवा दिया, दे मुझे पैसे, क्या उसके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? उसके मेरे बीच में पहले से तय रखा था कि तू अगर मेरी गाड़ी ठोकेगा तो मुझे इतना पैसा देने का, नहीं है ना? तो लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो पहले से ही डिसाइडेड है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, जो अचानक से हो जाते हैं। तो टॉट बोलता है, सेलमेंट बोलते हैं, मेरे हिसाब से टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है जिसमें आपको रेमेडी मिलेगी, नुकसान की भरपाई मिलेगी। लेकिन कौन से नुकसान की भरपाई मिलेगी? लिक्विडेट या अनलिक्विडेट? अनलिक्विडेटेड। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, टॉट जो लॉ है वो किसको कवर करता है? जो पहले से ही डिसाइडेड हो रखे हैं, जो पहले से डिसाइड नहीं है। ऑब्वियसली जो पहले से डिसाइड नहीं है। पीछे लिमिटेशन एक्ट की जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसने क्या बोला? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कवर होते, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन से डैमेजेस होते हैं? लिक्विडेट या अनलिक्विडेट? लिक्विडेटेड। क्यों लिक्विडेटेड? टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से लिखा होगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए उसने दूसरे तरीके से बोल दिया, इसमें अनलिक्विडेटेड आता है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली। साफ तो बोल दिया, सेम बातें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीज इसमें नहीं है। सेलमेंट की डेफिनेशन समझ आई, दोनों की मिलती जुलती है, कंक्लूजन सबका एक ही है। चलिए, विनफील्ड क्या बोलता है? टॉर्टियस लाइबिलिटी, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ, क्या लिखा है? ड्यूटी प्राइमली फिक्स बाय द लॉ। कुछ ड्यूटी है, जो ड्यूटी है ये किसने फिक्स कर रखी है? लॉ ने फिक्स कर रखी है। गाड़ी ठीक से चलाना, सिग्नल पे रुकना, ये ड्यूटी किसने दे रखी है? लॉ ने बोल रखा है कि भैया रेड कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, येलो कलर होगा, तो क्या करना है? तेज ये से गाड़ी नहीं चलाना है, थक जाएंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ड्यूटी किसने डिसाइड करी की है? पार्टीज ने आपस में। मैंने क्या बोला? सामने वाले ने क्या बोला? घर बनाने का। मैंने बोला कि टाइम टाइम पे पैसे देने, मैं मटेरियल खरीद के बनाऊंगा। तो यहाँ पे ड्यूटी एक दूसरे के लिए काम किसने डिसाइड किया है? पार्टीज ने खुद से। लेकिन यहाँ टॉट में क्या हो रहा है? इन्होंने बोला है कि ये वो काम है जो कौन डिसाइड करता है? लॉ। और आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव आपको नहीं करना है, पी के आपको गाड़ी नहीं चलानी, ये किसने डिसाइड किया? लॉ ने। अगर आप ये सारी चीजें तोड़ते हो तो क्या होगा बच्चा? आप पे केस बनेगा। लेकिन वो केस किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा? एज पर टॉट लॉ। इज दैट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो कहाँ जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, तो ये लिखा है टूवर्ड्स द पर्सन जनरली एंड ब्रीच, क्या लिखा है? रिड्रेसेबली बाय द एक्शन फॉर द, कौन सा डैमेज?
अनलिक्विडेड डैमेजेस। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी, प्रेशर की, क्या बोलता है, इट इज द इन्फ्रिंजमेंट। कुछ वर्ड है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट मतलब इससे पहले भी आ चुका है, थोड़ा सा और करीब जाओ, बहुत सही हो, सही हो। इन्फ्रिंजमेंट मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, लॉ फॉलो नहीं करना, तोड़ दिया मतलब, इन्फ्रिंजमेंट मतलब भी क्या होता है, ब्रीच। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हो गया, मैंने किसी को ठोक दिया, इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे जो नुकसान होता है वो किसको होता है, प्राइवेट पर्सन को होता है, गिविंग अ राइट, उस प्राइवेट पर्सन का राइट है कि वो मुझसे क्या मांगेगा, कंपनसेशन मांगेगा इन द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, क्योंकि मैं क्या हुई, इंजर्ड हुई, मेरी प्रॉपर्टी क्या हुई है, इंजर्ड हुई। इज दैट क्लियर बच्चा, कितनी डेफिनेशन पढ़ी, चार। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, टॉट मतलब क्या होता है, टॉट एक लैटिन वर्ड है, टॉटम, जिसका मतलब क्या है, ट्विस्ट, इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट, लेकिन और स्पेसिफिक जाओगे तो कौन सा रॉन्गफुल एक्ट, सिविल, क्रिमिनल बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल जैसे किसी का नुकसान करना। फिर हमने पढ़ा कि चार लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है, लिमिटेशन एक्ट ने, सेलमन ने, विल्टन ने और फ्रेशर ने। इन सबकी डेफिनेशन का कंक्लूजन, इन सबकी डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या है, टॉट इज अ स्पीशीज, स्पीशीज बोले तो टाइप, वेराइटीज होता है ना, ऑफ अ सिविल इंजरी, ऑफ रॉन्ग एज अपोज टू सिविल रॉन्ग। अब समझना, ये पूरा का पूरा जो भी सर्कल बनाया, मैंने बोला रॉन्गफुल एक्ट का, ये पूरा पूरा सर्कल क्या है, रॉन्गफुल एक्ट, इसके मैंने दो पार्टीशन कर दिए, एक को क्या बोल दिया, सिविल, एक को क्या बोल दिया, क्रिमिनल। टॉट क्या है, टॉट सिविल का एक छोटा सा पार्ट है, सही बात समझ में आ रही है। वापस, अगर सारे के सारे काम गलत है तो दो पार्टीशन के, एक तरफ क्रिमिनल रखा और एक तरफ सिविल, तो टॉट किस कैटेगरी में आएगा, सिविल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन क्या सारे के सारे सिविल रॉन्ग, सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉट होते हैं क्या, नहीं, एक छोटा सा पार्ट है टॉट सिविल रॉन्ग का, जिसमें क्या क्या कवर होता है इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। एक्चुअली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल लॉ अलग से है और सिविल लॉ भी अलग से है, जो चीजें सिविल लॉ में कवर नहीं हो पाई है उसके लिए सरकार ने एक अलग सा कानून बनाया है टॉट, और उसे टॉट में कवर कर दिया, जो चीजें ऑलरेडी सिविल लॉ में कवर है उसे यहां कवर नहीं किया जाता है, बाकी की बची बुची छोटी मोटी चीजें जो एकदम चिल्लर वाली चीजें जो बच जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो भी तो डिस्प्यूट होता है, तो उसे टॉट में कवर किया गया। तो टॉट इज अ टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग, क्या टॉट पूरा रॉन्गफुल एक्ट है क्या, नहीं, क्या टॉट पूरे से सिविल रॉन्ग है क्या, नहीं, टॉट क्या है बच्चा, टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग है। अब यही लिखा है, स्पीशीज मतलब क्या होता है, टाइप, टाइप ऑफ सिविल इंजरी रॉन्ग, इन्होंने क्या बोल दिया, ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, क्रिमिनल रॉन्ग के। क्या पहला पहला पॉइंट समझ में आया, दूसरा, एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉट, इस सर्कल को देखो, मुझे बताओ क्या सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉट है क्या, लेकिन सारे के सारे टॉट सिविल रॉन्ग है क्या, यस, एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, क्लियर है। अब आपकी जो बुक में ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है वो ये दे रखा है, टॉट एक्चुअली मैं बोलूं तो ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये क्या एक फ्रेंच वर्ड है, टॉट क्या एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसका इसका ओरिजिन क्या है, वो आया कहाँ से था, कहाँ से आया था, लैटिन वर्ड से, वो लैटिन वर्ड क्या है, वो लैटिन वर्ड क्या है, टॉटम, टॉटम का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है टॉट, इसका भी तो मीनिंग होना चाहिए, इस फ्रेंच वर्ड टॉट का मतलब क्या है, रॉन्गफुल एक्ट, और डिटेल में हम जाते हैं तो सिविल, और डिटेल में जाते हैं तो टाइप ऑफ सिविल, एग्जैक्टली बोलूं तो ये कुछ नहीं, टॉट एक टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग है, दैट्स इट, ठीक। क्रिमिनल लॉ भी अलग है, सिविल लॉ भी अलग है, जो चीज जहां पे कवर नहीं होती वो टॉट में कवर होती है, जो बिल्कुल छोटी मोटी बातें होंगी, क्लियर है। अब हम बार बार डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे थे, प्राइवेट रॉन्ग, प्राइवेट इंडिविजुअल, यही पढ़ रहे थे, गाड़ी मेरी ठुकी है, खर्चा मुझे चाहिए, क्या सारी जनता को चाहिए क्या, अगर कुछ गलत काम हो रहे हैं जो पब्लिकली रॉन्गफुल हो रहा है, जो क्या है, पब्लिकली रॉन्गफुल है, तो वो एक्चुअल में उसका नेचर क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग होता है। जो एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या हो जाता है बच्चा, प्राइवेट रॉन्ग। तो प्राइवेट रॉन्ग में सारे के सारे सिविल आते हैं, ठीक, और बाकी सारी चीजें रिपीट है जो हमने पढ़ी। फिर आपकी बुक में देखो, लिमिटेशन एक्ट, सेलमन, फ्रेशर, विनफील्ड, इन सब की डेफिनेशन दे रखी। फाइनली दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बताए, वो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या बताए, टॉट क्या है, स्पीशीज है सिविल इंजरी का, जो कि ऑपोजिट है सिविल रॉन्ग, और एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉट, ठीक। चलिए, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केसेस आते हैं, नहीं, क्योंकि अलग से कानून है। टॉट बना कब है, क्यों बना है,
क्योंकि कुछ छोटी मोटी बातें थी जो बाकी सारी जगह पे कवर नहीं हो रही थी। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग से बना है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट एक्ट अलग से बना है तो नहीं आएगा, क्वासी क्वासी एक सिमिलर सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीजें वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएंगी ना, तो ये सारी चीजें इसमें कवर नहीं होती। इज दैट क्लियर बच्चा? पक्का? तो ये था हमारा टॉट का इंट्रोडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बुक में आएंगे, बुक में बताऊंगी कहाँ। कुछ जनरल कंडीशन है, हम कब मानेंगे कि टॉट हुआ है, हम कब मानेंगे टॉट हुआ है, या फिर मैं क्या बोलूँ, हम कब मानेंगे आपके साथ एक टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग हुआ है। बस मैं इसे क्या बोल रही हूँ, टॉट हुआ। ठीक, इन्होंने कहा टॉट होने के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मेरे साथ ये तीन कंडीशन हुई है, सबके बीच में एंड है, सबके बीच में एंड है, तीन कंडीशन। पहला, रॉन्गफुल एक्ट, आपके साथ कुछ गलत काम होना चाहिए और इस गलत काम के कारण आपका क्या हुआ है, लीगल डैमेजेस होना चाहिए, और कानून के पास इसके लिए क्या होना चाहिए, लीगल रेमेडी। अगर ये तीनों कंडीशन साथ में फुलफिल है तो हम मानेंगे आपके साथ टॉट हुआ है, यानी कि आपके साथ एक सिविल रॉन्ग हुआ है। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। वापस, हम कब मानेंगे आपके साथ टॉट हुआ है, इस टॉट को होने के लिए तीन कंडीशन है, अगर टॉट हुआ है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी हेल्प करेगा। चलिए, कैसे पता चलेगा हमारे साथ टॉट हुआ है, आइए ड्रिंक एंड ड्राइव का केस पढ़ते। ठीक है, ड्रिंक किया, ड्राइव किया, सीधे घर आ गया, किसी को कुछ नहीं ठोका, टॉट हो गया क्या तुम्हारे साथ? मेरे बाजू से कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके निकल गया, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो क्या मेरे साथ टॉट हुआ है क्या? नहीं। चलिए, ठोक दिया मुझे उस नालायक ने, ठोक दिया, जिस कारण से मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, और उस नुकसान की क्या होगी, भरपाई। मेरी गाड़ी टूट गई यार, तो भरपाई होगी क्या? हाँ, कानून की नजरों में क्या इसकी भरपाई हो सकती है? हाँ। तो मान लिया जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, टॉर्ट कमिट हुआ है। और डिटेल में जाते हैं, ये तो एकदम सिंपल केस है, और डिटेल में जाते हैं, चलिए वन बाय वन। कुछ टर्म्स है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला टर्म क्या दिख रहा है, प्लेंटिफ, ये टर्म्स आपको हमेशा याद रखने हैं, अब ये लीगल टर्म्स बार बार आपके सामने आएंगे। प्लेंटिफ मतलब वो पर्सन जो केस फाइल कर रहा है, जो केस करता है, मेरी गाड़ी ठुकी तो मैंने केस फाइल किया, तो मैं क्या कहलाऊंगी, प्लेंटिफ। डिपेंडेंट, वो पर्सन जिसपे केस किया गया है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड करेगा अपने आप को। ठीक है, एक वर्ड आएगा टॉट फीसियर, टॉट मतलब तो बताया ना, गलत गलत काम करने वाले को क्या बोल दिया जाएगा, टॉट फीसियर इज द पार्टी हु कमिट अ टॉट। अगर मेरे साथ टॉट हुआ है, मैं केस फाइल करूंगी, तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं क्या कहलाऊंगी, मैं केस फाइल करूं, प्लेंटिफ, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, टॉट फीसर भी बोल सकते हो और डिफेंडेंट भी बोल सकते हो। वेरी गुड, क्योंकि सामने वाले ने तो मेरे अकॉर्डिंग टॉट किया है। अब केस जाएगा कोर्ट में, कोर्ट को एविडेंसेस दूंगी, तो कोर्ट बोल देगा कि हाँ इसने गलत किया, अगर मैं प्रूफ दे गई तो नहीं हुआ तो वो बच के निकल जाएगा, डिफेंड कर लिया इसने अपने आप को। ठीक है, तो प्लेंटिफ केस करने वाले को जिसपे किया जा रहा है डिफेंडेंट, और टॉट फीसर भी उसी को बोला जाएगा जिसने टॉट कमिट किया है। हो सकता है टॉट मैंने कमिट किया और मैं केस फाइल कर रही, हो सकता है ना, सामने वाले पे झूठा इल्जाम लगा भी, ऐसा होता है ना, कंप्लेन फाइल करने वाला हमेशा सच्चा अच्छा होता है क्या, चालाक भी हो सकता है। ठीक है, चल बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या थी, रॉन्गफुल एक्ट, दूसरी क्या थी, लीगल डैमेज, फिर लीगल रेमेडी। रेमेडी मतलब सॉल्यूशन मिलना, रेमेडी मिलना जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ, जो भी दिक्कत थी। ठीक, सबसे पहला रॉन्गफुल एक्ट, या फिर हम क्या बोलेंगे, ओमिशन। चलिए, कभी देखा है ट्रेसपास, एक वर्ड लिखा रहता है जगह जगह, ट्रेसपास मतलब क्या होता है, यहाँ घुसना मना है। वेरी गुड, ट्रेसपास मतलब क्या है भैया, आप यहाँ पे नहीं घुस सकते, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर घुसोगे तो क्या बन जाएगा, केस बनता है, केस इसी में बनता है टॉट के अकॉर्डिंग। अगर किसी में ऐसा साइन लगा है, बोर्ड लगा है, नो ट्रेसपास, इसका मतलब क्या, आप उसकी प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते। लेकिन भाई वहां पे हमें बहुत अच्छे अच्छे पेड़ दिख रहे हैं, है ना, उसे मस्त गर्मी का मौसम है, आम लटके दिख रहे, तो हम घुस गए प्रॉपर्टी में और मस्त आम तोड़ रहे। अगर पकड़े गए तो आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए हो, जिसके कारण आप पे कौन सा केस बनता है, टॉर्ट का बनता है। ठीक है, आपका केस लीगल बिल्कुल, चलते हैं, आ जाओ, बताऊंगी, आऊंगी इसमें। ठीक है, पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर अ टॉर्ट इफ अ पर्सन डज सम एक्ट विच ही हैज नॉट सपोज टू डू, ओमिटेड सम एक्ट विच इज, दीदी कितना खतरनाक लिखा है। ठीक है, आ जाओ, रॉन्गफुल एक्ट मान लिया जाएगा जब आप क्या करते हो, ट्रेसपास करते हो किसी की प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, घर में मस्त मैंने ताला लगाया,
मैंने बोला घुसना नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। कोई मेरे घर पे ताला तोड़ के घुस जाता है, कोई मेरे घर पे ताला तोड़ के घुस जाता है। क्या बात समझ आ रही है? ट्रास्पास कर दिया उसने। मुझे बताओ लग रहा है कि कोर्ट में केस करना चाहिए? यही सब आम तोड़ते वक्त कर लिया तो वो भी तो उसकी प्रॉपर्टी थी ना। घर बस आपको लग रहा है चार दीवारी से कवर है भैया, इसमें घुसना बहुत बड़ा क्राइम हो गया ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन गार्डन में घुसना नहीं बच्चा, वो भी वही रखता है। बस कोई केस करता नहीं, अगर केस करने पे वो आ गए तो पूरा हक है, कोई करता नहीं है कि ठीक है यार बच्चे हैं छोड़ दिया। एक्चुअली में यही होता है। तो वो प्रॉपर्टी थी, वो आम प्रॉपर्टी थी। घर पे अगर घुस के आम निकाल लेते, आम निकाल सकते तो कुछ और भी निकाल सकते हैं ना, तो क्या बड़ा नुकसान होने का वेट करेंगे क्या? ये ट्रास्पास माना जाएगा और लीगल केस बनता है। आइए डिटेल में जाएंगे। रॉन्गफुल एक्ट मतलब कुछ गलत काम होना चाहिए, कुछ गलत काम होना चाहिए, ये समझ में आए। बढ़ेंगे। यहाँ पे सिंगल डैमेज नहीं लिखा है, नोटिस करो लीगल डैमेज लिखा है। नोटिस करो सिंगल रेमेडी नहीं लिखी, क्या लिखा है? लीगल रेमेडी। लीगल डैमेज मतलब कानून की नजरों में नुकसान होना चाहिए, लीगल डैमेज मतलब कानून की नजरों में नुकसान होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे मस्त कोचिंग चला रही हूँ, मेरे बाजू में अंकल का घर है, उन्होंने कहा यार बहुत कोचिंग चलती है, चलिए हम भी बिजनेस करते हैं कोचिंग का। उन्होंने बाजू में मेरा क्या कर लिया, कोचिंग खोल ली, सेम कॉमर्स की खोल ली। उन्होंने कहा हम भी सीएस पढ़ेंगे, हम भी कॉमर्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे आई टेक्स पढ़ा रहे वैसे वैसे पढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? क्या मेरा नुकसान है? क्या मेरा नुकसान है? जो बच्चे यहाँ रहते हैं वहां भी जाने लगे। इट इज जस्ट लाइक अ दुकान, ठीक है? एक दुकान ए की थी, बाजू में बी की दुकान खुल गई। यहाँ अगर ग्राहक आते थे तब तो कुछ ग्राहक टूट के कहाँ जाने लगे? बी के पास। क्या नुकसान है? नुकसान है। क्या लीगल नुकसान है? नहीं है। क्या मैं उसकी दुकान बंद करा सकती हूँ? नुकसान हो रहा है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। नुकसान होना और लीगल नुकसान होने में डिफरेंस है। अंकल ने बाजू में कोचिंग खोली, नुकसान हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन क्या लीगल नुकसान हो रहा है? नहीं। कानून कह रहा है कि मैं क्या ढूंढूंगा? लीगल नुकसान, लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस होंगे तो उसकी लीगल रेमेडी भी मिलेगी। क्या इसकी लीगल रेमेडी बनती है? नहीं। जब लीगली नुकसान ही नहीं है तो लीगली रेमेडी भी नहीं बनती। किसी ने मुझे ठोक दिया, मेरी गाड़ी टूट गई, क्या मेरा नुकसान है? हाँ। क्या लीगल नुकसान है? हाँ। अब है मेरा घर, ठीक है, मस्त दो कमरे, दूसरे कमरे में मैं सो रही हूँ। एक चोर आता है, ठीक है, चोर नहीं कहूँगी, एक आदमी आता है, मस्त सोफे में बैठता और टीवी देख रहा है, ठीक है। मैं उठ गया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कौन निकल यहाँ से? वो बोल रहा नहीं मैं कोई नुकसान थोड़ा ना कर रहा हूँ। उसने कुछ नहीं किया, ना टीवी को हार्म पहुंचाया, ना मेरी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया, किसी भी चीज को उसने हार्म नहीं पहुंचाया। मुझे बताओ डैमेज है, कुछ नुकसान है? क्या नुकसान है? कुछ कुछ नहीं लॉस किया उसने, ना टीवी तोड़ी, ना सोफे को फाड़ा, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। डैमेजेस तो नहीं है, लेकिन क्या लीगल डैमेज है? हाँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी में घुसा है। जरूरी नहीं है पैसों के टम पे नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा एक राइट था, बिना पूछे मेरे घर में कोई घुस नहीं सकता, तो उसने मेरा क्या नुकसान किया है? लीगल डैमेज, मेरे पर्सनल राइट को मुझसे छीना है। मेरा राइट था मेरे घर में, मुझसे बिना पूछे कोई नहीं घुस सकता, तो उस नालायक ने उसे पूछा नहीं, घुस गया। क्या उस पर केस बनता है? हाँ। क्या मैं केस कर सकती हूँ? हाँ। समझ में आ रहा है? तो डैमेज मतलब इन द टर्म ऑफ मनी डैमेज नहीं है, इन द टर्म ऑफ राइट भी हो सकता है। जबकि कोचिंग का बिजनेस जब सामने आया तो नुकसान तो था, लेकिन ये कानून के नजर में नहीं है। लेकिन जब वो बंदा मेरे घर पे घुसाता है तो नुकसान नहीं है, लेकिन किस चीज का नुकसान है? लीगल नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया डैमेजेस से मतलब हमारा नॉर्मल डैमेजेस से नहीं है, किससे है? लीगल डैमेजेस से। चलो और डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ लैंडमार्क केसेस भी पढ़ेंगे। इट इज टू बी प्रूव बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ बोले तो केस करने वाला, केस करने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा भाई उसका किस टाइप का नुकसान हुआ है, लीगल नुकसान हुआ है, ठीक है। इस पूरे लीगल डैमेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे। यहाँ पे टू मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम बोले तो दो प्रिंसिपल्स है, दो प्रिंसिपल को आपको समझने पड़ेंगे। ये सब लैटिन वर्ड है, चलिए लैटिन वर्ड समझते हैं। क्या लिखा है? डमनम शाइन इंजूरिया, इंजूरिया शाइन डमनम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंजूरिया बोले तो इंजरी समझना है, इंजूरिया लैटिन वर्ड है। इंजूरिया क्या लैटिन वर्ड है? इंजूरिया मतलब इंजरी, शाइन मतलब विदाउट, डमनम मतलब डैमेजेस। चलिए देखते हैं हम रीड कर पा रहे हैं कहीं, रीड कर पा रहे हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया। पहला क्या बोल रहा है? डैमेज शाइन इंजूरिया, बताइए क्या बोल रहा है? डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी यहाँ पे जो लिखा है, इंजरी से मतलब क्या है बच्चा? हमारे लीगल लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है। इंफ्रिंजमेंट मतलब नुकसान होना, तोड़ना, हमारे लीगल राइट्स हमसे छीन लेना,
इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स मतलब हमसे हमारे लीगल राइट्स छीने गए थे, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया मेरे घर में कोई घुसा है तो उसने क्या किया मेरे लीगल राइट्स को मुझसे छीना है, तोड़ा है, तो इंजूरिया मतलब क्या है, इंजरी पहुंची, इंजरी पहुंची किसमें, मेरे लीगल राइट्स में, तो डैमेज हुआ है, डैमेज विदाउट इंजरी मतलब नुकसान हुआ है लेकिन नुकसान लेकिन इंजरी नहीं हुई। एग्जाम्पल कौन सा लाए, कोचिंग वाला आएगा कि घर पे घुसने वाला आएगा, फिर से सोचो यार। इन्होंने कहा पहला वाला क्या बोल रहा है, डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है लेकिन विदाउट मेरी लीगल राइट्स, विदाउट कोचिंग वाला आएगा ना, कोचिंग वाला आएगा ना, क्या नुकसान हुआ है, हुआ है, क्या इंफ्रिंजमेंट हुआ है मेरे लीगल राइट्स का, पहला वाला रीड करो, डैमेजेस विदाउट इंजरी, नुकसान होना लेकिन किसका नुकसान नहीं हुआ, मेरी लीगल राइट्स नहीं छीने, मेरी लीगल राइट्स नहीं छीने, मेरी थोड़ी ना दुकान बंद कराई है, मेरी थोड़ी ना कोचिंग बंद कराई है। दूसरे वाले में आएगा इंजूरिया शाइन डैमेज, इंजूरिया मतलब इंजरी हुई है विदाउट डैमेज, घर पे घुसा है, मेरे लीगल राइट्स का नुकसान हुआ है लेकिन लेकिन क्या नुकसान वैसा हुआ है इन द टर्म्स ऑफ मनी। दोनों प्रिंसिपल वापस, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेमनम शाइन इंजूरिया, डेमनम शाइन इंजूरिया बोलता है नुकसान हुआ है लेकिन लीगल नुकसान नहीं, इंजरी नहीं हुई हमें। सेकंड क्या बोलता है, इंजरी हुई है मतलब लीगल राइट गए हैं मेरे लेकिन मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, घर पे उसने कुछ भी तोड़फोड़ नहीं मचाई, वो कह रहा मैं बस शांति से टीवी देखना चाहता हूँ मैडम मुझे देखने दो, मैंने कहा नहीं भाई क्या नुकसान हो रहा है मेरा, इंजरी हो रही है, लीगल राइट्स मुझसे छीने जा रहे, बिना पूछे घुसा कैसे, ठीक है चलो। लीगल डैमेज समझ में आया, डैमेज मतलब कानून के नजरों में लीगल होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। तीसरा क्या है, इधर देख स्क्रीन में, अभी स्क्रीन में, अभी बुक में मत देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, लीगल रेमेडी, तीन कंडीशन थी क्या होने के लिए, टॉर्ट तब माना जाएगा जब ये तीनों एक साथ होगा, पहला कुछ ना कुछ रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट क्या है, घर के अंदर घुसा, रॉन्गफुल काम था ना, दूसरा क्या उसे लीगल डैमेजेस हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, क्या लीगल डैमेज है हमारा, मेरे राइट्स, मेरी पर्सनल राइट, अब क्या कुछ रेमेडी मिलनी चाहिए, क्या रेमेडी होगी इसमें बताओ, बाहर निकाला जाएगा उसे, मेरे घर में घुसा है तो रेमेडी क्या है, निकल बाहर, तो पहले मैं उसे प्यार से बोलूंगी भाई निकल जा, नहीं सुन रहा नलायक, पुलिस को तो कॉल कर दूंगी लेकिन आने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा धक्का मारूंगी, डंडा उठा लूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी, तो ट्राई करूंगी कानून हाथ में ना लूं, है ना, उसकी जान पे बात ना आए, क्योंकि उसकी जान पे बात आएगी तो मेरी जान पे भी बात आ जाएगी, है ना, मुझे भी छोड़ेगा वो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसकी क्या रेमेडी बनती है, हाँ रेमेडी बनती है, रेमेडी क्या बनती है, उसको मेरे घर से बाहर निकाला जाए, इज दैट क्लियर, तो लीगल रेमेडी क्या है, आ जाओ, थर्ड कंडीशन इज दी, तब जाके ये टॉट बनता है जब थर्ड कंडीशन होगी, रेमेडी शुड बी अवेलेबल, लॉ की नजरों में उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए फाइंड, ये लिखा है एक ड्रंक खाना पिया खाया बंदा रूम में आ जाता है, उसका कोई बिजनेस मैटर नहीं है, ठीक है, वो बस प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर रहा है, ए इज द एंटाइटल्ड टू गेट, हम चाहते हैं कि भैया उसे घर से बाहर निकाला जाए इफ पॉसिबल विदाउट फोर्स, पहले ट्राई क्या करो, बिना फोर्स के, प्यार से विदाउट फोर्स, बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, प्यार से तो सुनिए ना, नालायक है, ड्रंक है, ना ड्रंक है, सच फोर्स इज एज द केस मे बी वॉरेंट, ठीक है, पुलिस वाले को बुलाओ, पुलिस भी धक्का मुक्की दे देके उसको निकालेगा, लेकिन उससे पहले पड़ोसी को बुला लो, ठीक है, तीन कंडीशन समझ में आए। अब हेडिंग क्या लिखा है, डेमनम शाइन इंजुरिया मतलब क्या था, क्या मैं इसे टॉट बोलूंगी, वेरी गुड, क्या इसे टॉट बोलेंगे, नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि नुकसान हुआ है लेकिन लीगल नुकसान हुआ है क्या, नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, चलिए एक लैंडमार्क केस है, ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पे दो स्कूल दिख रहे हैं, एक्चुअली वही केस था, ठीक है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल एक था, सब बाहर के स्कूल है, यहाँ पे नहीं है, टॉट जो लॉ है ये पूरा बाहर का था, इंडिया ने इसको अपने पास लेकर आया, उसको थोड़ा कॉपी किया और अपने इंडिया के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज किया, ठीक है, चलिए समझेंगे क्या बोलता है। एक ग्लॉस्टर ग्रामर एक स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ाता था एक टीचर, ठीक है, उस टीचर ने वो स्कूल छोड़ दिया और उसके बाजू में क्या किया, दूसरा स्कूल खड़ा कर दिया, अब मुझे बताओ इस स्कूल का नुकसान हुआ है क्या मनी टर्म्स में, लेकिन क्या इसका इंजूरिया हुआ है, इंजूरिया बोले तो इंफ्रिंजमेंट हुआ है इलीगल राइट्स का, नहीं, सामने वाले के अपने राइट्स है, तो साफ साफ ये लिखा है प्लेंटिफ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल ने केस फाइल कर दिया, डिफेंडेंट जो एक्स टीचर था इस स्कूल का,
डिफेंडेंट वॉज गुड इंग्लिश ग्रामर टीचर, अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल, ठीक है, उस पर कोई केस नहीं बनता था। जो स्कूल का टीचर था जिसने दूसरा स्कूल खोला, वो केस जीत गया, क्योंकि ये टॉट है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है ना कि सामने दुकान खुल गई, सामने कोचिंग खुल गई, क्या उसको बंद करवा सकती हूँ क्या मैं केस फाइल करके? बिल्कुल भी नहीं, वो उसके राइट्स हैं, कहीं भी कुछ भी कोई भी बिजनेस करे, ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इंजूरिया विदाउट डैमेज, समझना। मैं एक इलेक्शन चल ही रहे, चलो वोट करने जा रही हूँ मैं, ठीक है, इलेक्शन चल रहे, वो वोट करने जा रही हूँ, जब मैं वोट करने जाती हूँ वहां पे एक ऑफिसर मुझे वोट करने से रोक देता है, ठीक है, वोट करने से रोक देता है, जिस कारण से मैं वोट नहीं कर पाती। लेकिन मैं वोट करने जा रही थी मोदी जी को, बीजेपी को, बीजेपी मेरे वोट से, है ना, मेरे वोट देने से उनको कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, वो तब भी वो इलेक्शन जीत गई। केस पूरा समझना, मैं वोट देने जाती हूँ मगर मैं वोट नहीं दे पाती, क्यों? क्योंकि वहां पे बैठे एक ऑफिसर ने मुझे रोक दिया, जो भी कारण था, जानबूझ के रोका, वो नालायक था, ठीक है। लेकिन जिसे मैं वोट देने वाली थी, जो की थी बीजेपी, मोदी जी की सरकार, लेकिन वो इलेक्शन फिर भी जीत जाते, मैं केस कर देती हूँ किसमें, उस ऑफिसर में, मैं केस करती हूँ उस ऑफिसर में, और क्या बोलती हूँ कि क्या छीना गया है, नुकसान हुआ क्या मेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, डैमेज हुआ क्या मेरा, नहीं डैमेज हुआ, क्यों? क्योंकि मैं मोदी जी को देने वाली थी, मोदी जी ये इलेक्शन जीत गए, क्या डैमेज हुआ? नहीं, मुझे बताओ लीगल राइट्स का डैमेज हुआ है क्या? हुआ है, मुझे मेरे जो राइट्स थे वो देने को नहीं मिले, तो ये क्या है, इंजूरिया, इंजूरिया शाइन डमरे, मतलब इंजरी तो हुई है, इंजरी मतलब लीगल राइट्स ही नहीं गए, लेकिन क्या नुकसान हुआ? नहीं। सामने वाले ऑफिसर बोलते हैं कि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोर्ट जी क्यों मुझे आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो कोर्ट उसे यही बोलता है कि भाई सुन, लीगल राइट्स छीन लिए तूने उसके, तो एक्चुअल में एक केस था एशबे वर्सेस वाइट, ठीक है, एशबे वर्सेस वाइट, प्लेंटिव कौन था? एशबे, एशबे वो वोट देने वाला इंसान था जिसका मैं रोल प्ले कर रही थी, डिफेंडेंट वो वाइट था, वो ऑफिसर था, ठीक है, जाता है वोट देने लेकिन उसे मना कर दिया जाता है, वाइट वॉस रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, पूल बूथ में जो भी था, ठीक है, ही रिफ्यूज टू रजिस्टर, उसने साफ साफ बोल दिया मैं तुम्हें नहीं देने दूंगा, जो भी उसके पर्सनल रीजन होगा, जो भी एक्सेडेड, केस बनता है, केस कौन जीत जाता है, वो वोट देने वाला, क्योंकि क्या हुआ है, इंजूरी हुई है, इंजूरिया हुआ है, इंजूरिया बोले तो लीगल राइट छीने गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो तीन कंडीशन टॉट की, पहला क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट, कुछ गलत काम, उस गलत काम को देखो, उस गलत काम को देखो, क्या वो लीगली डैमेज दे रहा है क्या हमें, और अगर लीगल डैमेज हो रहा है तो हमें इसकी क्या मिलनी चाहिए, लीगल रेमेडी, क्लियर है? चलिए, पड़ोस में एक कुत्ता है, बहुत भौंकता रहता है, ठीक है, बहुत भौंकता रहता है, नुकसान हो रहा है तुम लोग का, क्या नुकसान हो रहा है, चैन से रात में सो नहीं पा रहे हो, बोर्ड एग्जाम चल रहे तो पढ़ नहीं पा रहे, केस बनता है, हाँ बच्चा बनता है, किसी कुत्ते ने आकर काट लिया, किसी कुत्ते ने आकर क्या कर लिया, काट लिया, बनता है कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन पूछो, पालतू है या फिर स्ट्रीट डॉग में, तो क्या ही केस करोगे भाई, है ना, एक वैन आएगी उठा के ले जाएगी, हाँ लेकिन ऑप्शन है, वैन आती मालूम है ना, कर देना कंप्लेंट सोसाइटी के कुत्तों को लेकर, ठीक है, चलो तीन पालतू कुत्ता है तो गया मालिक गया, ठीक है, तो यस बच्चा है, ये सब होता है। चलिए, तो डेमनेंट शाइन इंजुरिया मतलब क्या है, डैमेज विदाउट इंजरी, क्या ये टॉट है? नहीं, इंजुरिया शाइन डेमनेम, इंजरी हुई है लेकिन नुकसान नहीं हुआ, टॉट है, हाँ ये टॉट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से टॉट कौन सा है, भूल मत जाना, मीनिंग याद रखना, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग भी समझ में आ गया, आपकी बुक में यही जनरल कंडीशन दे रखा है, मैंने पूरी मार्किंग कर रखी है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम वाले इसमें, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हमने इसलिए बनाया ताकि हम नोट्स वगैरह शेयर कर सकें, ठीक, ये लिखा, लीगल रेमेडी, लीगल डैमेजेस, रॉन्गफुल एक्ट, सारी चीजें मैंने शॉर्ट में बता दी, रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, देखो शाइन डेमेज शाइन इंजरी पड़ा, इसमें केस का नाम था, केस का नाम बताओ क्या था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, केस का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का कंक्लूजन क्या था, बाजू में जो स्कूल खुला, खोल सकता है कि नहीं खोल सकता, खोल सकता है, ठीक है, तो पूरा केस का नाम भी लिखा है, देन इंजरी शाइन डेमेज में क्या केस था, नाम बताओ, एचबी वर्सेस वाइट, एचबी वो बंदा था जो वोट देने आया था, वाइट वो ऑफिसर था, ठीक है, तो प्लीज केसेस के नाम याद रखना, सारे केसेस के नाम यहाँ भी दे रखे, कंपैरिजन कर रही हूँ किसका, किससे कंपैरिजन कर रही हूँ, टॉट और क्राइम, टॉट क्या है, क्राइम क्रिमिनल था क्या, सिविल था, सिविल था, पूरे सिविल रॉन्ग, टॉट है क्या, टाइट, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट, चलिए दोनों में सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये प्राइवेट रॉन्ग है और ये क्या है, पब्लिक, ये लेस सीरियस है ऑब्वियसली, ये क्या है, मोर सीरियस है, भैया पेट में छुरा घोप देना ज्यादा सीरियस हो गया झगड़ा करने से, तो है ना, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट मतलब ब्रेक करना, तोड़ना,
क्या इंफ्रिंज हो रहा है? प्राइवेट राइट्स, मेरे घर के अंदर घुसा तो क्या हो गया? प्राइवेट राइट्स। ठीक है, रोड पे मैंने अपना घर बना लिया, रोड पे क्या कर लिया? घर बना दिया, अब कोई जा ही नहीं पा रहा, तो मैंने प्राइवेट राइट्स को इंफ्रिंज किया है कि पब्लिक राइट्स को? पब्लिक राइट्स को, ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स ऑफेंस अगेंस्ट द पूरी कम्युनिटी, ज्यादा लोगों को इफेक्ट करना इज पब्लिक। ठीक है, केस वी ब्रॉट बाय दी इंजर्ड पार्टी, यहाँ पे ऑब्वियसली कौन केस करेगा? इंजर्ड पार्टी। रोड पे मैंने घर बना लिया, कौन केस करेगा? कोई भी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है कि भाई ऐसे कैसे घर बना लिया। प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर ब्रॉट बाय दी स्टेट, सरकार करेगी। स्टेट बोले तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेट लिखा होता तो GOV लिखा जाता, स्टेट मतलब पूरी की पूरी इंडिया कवर हो जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। एक्चुअली में अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, नॉर्मल आप स्टेट पढ़ते हो, स्टेट मतलब जैसे MP हो गया, ये सब स्टेट। लीगली स्टेट की डेफिनेशन बहुत अलग है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जनरली अलग होते हैं और लीगली अलग होते हैं। लीगली स्टेट मतलब कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरी इंडिया कवर हो जाती है, पूरी इंडिया कवर मतलब कोई भी यहाँ पे केस कर सकता है। ठीक, कंपनसेशन किसको मिलेगा? इंजर्ड पार्टी को। और यहाँ पे क्या बोल दिया, कंपनसेशन क्या पूरी जनता को देंगे? तुमने रोड पर घर बनाया तो हर पड़ोसी को पैसे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, उस बंदे को पनिशमेंट मिलती है, ज्यादातर लोगों के साथ आप गलत करो। डिफरेंस क्या समझ में आ गया? दूसरा डिफरेंस टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मतलब क्या बताया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है आपने उसे फुलफिल नहीं करी, ब्रीच कर दी। चलिए, रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, आपकी एक प्राइमरी ड्यूटी थी जो लॉ ने बनाई थी। टॉट में क्या होता है, उस प्राइमरी ड्यूटी को आपने क्या कर दिया? ब्रेक किया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो किसने बनाई है? पार्टीज में, और ये किसने बनाई है? लॉ ने। पहला डिफरेंस समझ में आया। दूसरा, इसे हम टॉर्टस लाइबिलिटी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। कुछ अनोखी बात नहीं बोली उन्होंने, बस नाम बता दिया। ड्यूटीज टूवर्ड दी, क्या लिखा है? जनरल पब्लिक एट लार्ज। स्टॉप, लुक एंड गो, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये क्या है? लॉ ने बनाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके है? जनरल पब्लिक को लेके। अगर आप नहीं रोकोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जनरल पब्लिक को लेकर है। इन्होंने क्या बोल दिया, ड्यूटी ओनली टूवर्ड्स दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मैंने घर नहीं बनाया तो किसी को दिक्कत होने वाली है क्या? एक ही बंदे को दिक्कत होगी, दिक्कत किसको होगी? जिसका घर बना दिया। लेकिन अगर मैंने लॉ फॉलो नहीं किया, सिग्नल फॉलो नहीं किया, तो किसको दिक्कत होगी? सबको होगी। इसमें हार्म किसी एक को पहुंचता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए रहती है? ओवरऑल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला जाता है कि इसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की बात हो रही है। राइट इन रेम और राइट इन परसोनम, बच्चा ये ना लीगल टर्म्स है। राइट इन क्या लिखा है? रेम, इसका मतलब यही है जो ऊपर लिखा है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? राइट इन रेम मतलब ड्यूटी आपकी किस चीज की है? जनरल पब्लिक की। राइट इन क्या लिखा है? पर्सोनम, आपकी ड्यूटी किसको लेकर है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को लेकर। कभी कभार ये वर्ड बस आ जाएगा, राइटिंग पर्सोनम, और पूछ लिया जाएगा क्या मतलब होता है। पर्सनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की ही बात हो रही है। रेम मतलब यहाँ पे जनरली सबकी बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए। इसमें कौन से डैमेजेस मिलते हैं? अनलिक्विडेट। और इसमें क्या होते हैं? लिक्विडेट। मीनिंग क्या था लिक्विडेट का? पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। लेकिन टॉट में आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पड़ोसी से झगड़ा होना क्या पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे? कुत्ता काट सकता है हमें, क्या पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कभी भी काट सकता है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बुक में ये जो डिफरेंस था ना, टॉट और क्राइम, ये पढ़ लिया, टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। ऊपर का एक हेडिंग रह गई है, ये वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेंस रिया, लैटिन वर्ड है। मेंस रिया क्या बच्चा? एक लैटिन वर्ड। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगी? गिल्टी माइंड। चलो और सिंपल करते हैं, दिमाग में कुछ गलत करने का आपने सोच रखा है, ठीक है। वापस, मेंस रिया लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में मीनिंग क्या है उसका? गिल्टी माइंड। हिंदी में दिमाग में सोच कर रखा भैया मर्डर ही करना है, करना ही है कुछ ना कुछ गलत, ठीक है। अब मैंने सोच समझ कर किसी का मर्डर किया, मैंने सोच समझ कर किसी का मर्डर किया, मेरे दिमाग में गिल्टी माइंड था, मैंने सोच के रखा था उसे मारना है, ठीक है। मैंने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा, मैंने पहले से नहीं सोचा था मारना है, लेकिन मुझ पे बात आई तो मैंने भी शूट कर दिया। दिमाग में कुछ भी गंद नहीं था, मारने का सोचा था मतलब दिमाग में गंद था, गंदगी थी, गिल्टी माइंड था, मेंस रिया था। तो अब समझ रहे हैं हम क्राइम। सिविल समझ में आ गया, सिविल छोटा मोटा। अब मैं बता दूं क्रिमिनल लॉ, कोई भी चीज क्राइम की डेफिनेशन में तब आती है जब सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या होगा? गलत होगा, गिल्टी माइंड होगा, मेंस रिया होगा। तो क्राइम तब माना जाएगा जब मेंस रिया है,
मेंस रिया नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, तो वो सिविल मान लिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया, मैंने किसी को शूट कर दिया, मैंने पहले से सोच रखा था मारने का, तो इसे क्राइम माना जाएगा। लेकिन मैंने किसी को मारा, लेकिन किसमें माना? सेल्फ डिफेंस में, पहले से सोचा नहीं था, पहले से सोचा नहीं था, वो मुझे मारने आ रहे थे, मैंने उसे मार दिया, तो इसे क्या माना जाएगा? सिविल रॉन्ग। इसे क्या माना जाएगा? सिविल रॉन्ग। दोनों में सेम है, मारा है मारा है, लेकिन सोच का बस फर्क है। अब ये बस प्रूव करना होता है। अब मूवीज हमने बहुत देखी है ना, विलन हमेशा यही शो कर रहा होता है कि भाई मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मारा, एक्चुअल में प्लानिंग ही होती है, लेकिन अगर प्रूव कर दे कि सेल्फ डिफेंस में मारा है तो वो सिविल रॉन्ग बनेगा। क्रिमिनल में, क्रिमिनल अगर बनता है तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, सिविल अगर बनता है तो मुझे बस थोड़ा सा कंपनसेशन पैसे दे के निकल जाऊंगी। तो हर कोई ट्राई करता है कि हम क्या बने, सिविल में आ जाए। चलिए ट्रक की बात करते हैं। मूवी में बहुत देखा है कि ट्रक में सुपारी दे दी जाए। व्हाट डू यू मीन बाय सुपारी? देना, पैसे देना, पैसे देना, ये होता है ना, ट्रक वाले को पैसे दे दिए और क्या बोलो, उसको उड़ा देना। और फिर हम क्या बोलेंगे? गलती से हो गया, गलती से हो गया ट्रक वाले भाई, सामने वाला गलत गाड़ी चला रहा था। तो अगर पता चल गया कि मैंने उसे पैसे दिए हैं, मेंस रिया था, उसने सोच समझ के मारा, मतलब उसका माइंड गिल्टी था, गिल्टी माइंड था, अगर ये प्रूफ हो गया तो वो क्रिमिनल में जाएगा और उसे क्रिमिनल वाली पनिशमेंट मिलेगी। अगर ये प्रूफ नहीं हो पाया और उसने बोल दिया भाई गलती से, बस सामने वाला रॉन्ग गाड़ी चला रहा था, मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा था, तो वो क्या बन जाएगा? सिविल रॉन्ग। और थोड़े से पैसे देके वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। हमेशा ट्राई किया जाता है कि सामने वाला बंदा क्या बन जाए, लॉयर हमेशा क्या ट्राई करता है? सेफ साइड हुक करवाना अपने, जो भी सामने वाला एक्यूज रहता है, ठीक है, सिविल में। वेरी गुड। अब मुझे बताओ प्लानिंग प्लॉटिंग किसकी थी? मेन तो मेरी थी, मैंने पैसे दिए ना, वो तो बस ऐसे ही ट्रक चलाने वाला बंदा था, उसको पैसे की जरूरत थी, ठीक है। मैंने उसके साथ मिलकर मर्डर हुआ है किसी का, दोनों गए काम से, ठीक है, दोनों मिलकर गए काम से, दोनों को सजा मिलेगी, ठीक है, कंपनसेशन दोनों से निकाला जाएगा, ठीक है, हम दोनों के सब चीज बेच बाज के उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तुरंत तो सरकार देती है, सरकार तो देती है, लेकिन यस हमसे निकाला तो जाएगा बात, ठीक है, वही चक्की पीसेंगे दोनों। लेकिन मर्डर का कैसे, तो फांसी की सजा मिलेगी, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर में भी फांसी की सजा। सबूत नहीं मिला तो बल्ले बल्ले, यही होता है ना, कितने लोग बिना सबूत के, सबूत ही नहीं प्रूव हो पाता है, बच्चा फंसता कम है, क्राइम होते ज्यादा है। जो फंस गए बन गया केस, बहुत लोग हैं जो नहीं फंस रहे, ठीक है। फोन की डिटेलिंग आ गई, आपने इसको क्यों फोन किया था, आप ही के पहचान का था जो हमारा, आप इस ट्रक वाले को कैसे जानते हो, अकाउंट में देखा पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो सबूत मिल गए तो फंसेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे तो कोई नहीं फंसने वाला, ट्रक वाला बोलेगा गलती से हो गया और सिविल केस बन जाएगा उसका, ठीक है। चलिए, तो मेंस रिया मतलब लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या था? गिल्टी माइंड। एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपने पहले से गंद भरी थी आपके दिमाग में, आपको मारने का प्लान था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लैटिन सेंटेंस है, अब लैटिन पूरा का पूरा सेंटेंस एग्जाम में पूरा का पूरा लैटिन सेंटेंस भी आ जाता है। क्या लिखा है? एक्टस नॉन फैटेरियम निसी मीन सेट्रिया दी इंग्लिश, तो इतनी अच्छे से आती नहीं है, ये अलग से हमें और लैटिन सेंटेंस दे रहे। आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है कि भाई यहाँ पे एक्टस याद रखना और उसको सिट्रिया याद रखना, अगर ये सेंटेंस है तो समझ जाना इसका मीनिंग क्या है। एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्टी, कभी भी कोई भी काम, कभी भी कोई भी जो काम है, क्या लिख दिया है? गिल्टी नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ द गिल्टी माइंड। अगर कोई भी काम में हमें गिल्टी माइंड दिख रहा है तो हम उसे क्राइम मानेंगे। अगर गिल्टी माइंड हटा दिया जाए, उसमें से निकाल दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? सिविल रॉन्ग बन जाता है। वो बस यही कह रहे हैं, बस इसी को उन्होंने लैटिन वर्ड में बोला और उसको इंग्लिश में समझा दिया। इज दैट क्लियर? तो अब जब हम टॉट पढ़ रहे हैं, इस टॉट में हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि गिल्टी माइंड ना हो, क्योंकि ये तो टाइप ऑफ क्या है? सिविल रॉन्ग है। अगर इस टॉट में हमें क्या दिख गया कि गिल्टी माइंड है, तो फिर वो टॉट नहीं है, वो क्या है? क्राइम है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट है। इज दैट क्लियर? तो मेंस रिया आइडेंटिफाई हमेशा किया जाता है। पुलिस वाला कभी भी कोई भी बॉडी आती है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम करने का पर्पज क्या होता है? हम ये देख लेते हैं भैया सुसाइड क्या है, कि भैया इसका मर्डर हुआ है, पोस्टमार्टम किया जाता है। हमेशा बॉडी को क्या कैसे देखा जाता है? कि भाई शक की नजर से देखा जाता है, ठीक। हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को देखा जाएगा, वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड को देखा जाएगा, ठीक है। तो हमेशा शक की नजर देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेंस रिया कहाँ है, गिल्टी माइंड कहाँ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धमकी दे दी थी पार्टी में रात को, है ना, कि भाई तुझे मैं जान से मार दूंगा, अगले दिन पता चला उसकी बॉडी मिल रही है, तो पहला डाउट किसके पे जाएगा? वो दोस्त जिसने नशे में बोल दिया था, भले उसने ना मारा हो, किसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी हो। तो
एक्चुअली में होता क्या है, एविडेंसेस ही होते हैं, वो एविडेंसेस शो करते कि मेंस्ट्रिया है कि नहीं। पुलिस हमेशा एविडेंसेस देखते, नहीं मिले तो बच गए, मिल गए तो फंस गए। ठीक है, चलिए यहां तक चीज क्लियर है। बोलो Yes, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है। चलिए टाइप्स पढ़ते हैं, क्या बोला है उन्होंने। सबसे पहला टाइप स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। फिर क्या लिखा है, विकेरियस। फिर क्या लिखा है, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। वन बाय वन समझ में आएगा, अभी पूरा नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहला फोकस करेंगे किसमें, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में। चलिए समझते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी, क्या लिखा है, विदाउट फॉल्ट। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, आपकी गलती हो चाहे ना हो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। वापस, आपकी गलती हो चाहे ना हो आपको भरपाई करनी तो पड़ेगी। विदाउट इंटेंशन, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं, लेकिन फिर भी आपको तो भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ एकदम क्या है, स्ट्रिक्ट है। आपकी गलती हो या ना हो आप उसके लिए लाइबल हो। अच्छा, ऐसा क्यों। इट्स डिफरेंट हेल्ड विदाउट फॉल्ट, आप तो फंसोगे, इसे एक तरीके से क्या बोला जाता है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। चलिए एक और लैंडमार्क केस, ये तीसरा केस है। सबसे पहला केस बताओ जिस चैप्टर में पढ़ा, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल। फिर एशबे वर्सेस वाइट। एशबे वर्सेस वाइट किस प्रिंसिपल में पढ़ा था, इंजूरिया टाइम डेमनम। ग्लोस्टर स्कूल किस में पढ़ा था, डेमनम, डेमनम शाइन इंजूरिया। अब केस का नाम क्या है, रिलेन वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, सब इंग्लिश नेम है, बाहर के केसेस है। आइए थोड़ा सा इस केस को समझेंगे, फिर मैं पूरा प्रिंसिपल बताऊंगी क्या समझना। एक मिल ओनर था जिसका नाम था रेले, दूसरे बाजू में कौन है बच्चा, फ्लेचर। केस को समझते हैं। रेलिंग जो था, मिल ओनर था, उसे मिल में उसको बहुत पानी की जरूरत थी, बहुत पानी की जरूरत थी, उसे वाटर की जरूरत थी। तो उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया, उसने बोला, इस बंदे ने बोला कि मुझे बहुत पानी की जरूरत हो रही है अपनी मिल के काम के लिए, तो मुझे कुछ काम करके दे। उसने बोला कि मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा, रिजर्वेयर। मतलब क्या होता है, रिजर्व करने वाला एक पूरा सिस्टम होता है। कैसे होता है मैं बता रही, ठीक है, वाटर, ताकि वो उसकी मिल के काम के लिए वाटर स्टोर कर सके। ये रिजर्वेयर है, ये दिख रहा है पानी आपको, ऊपर से ऐसे पूरा पानी होता है और नीचे से पूरा ऐसा इतना बड़ा सा रहता है, जमीन के नीचे होता है ये। ठीक है, कैसे होता है पूरा सिस्टम मैं बता रही हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो मैंने ऐसे किया, ये पूरी जमीन है एक्चुअल में। जहां पे वो रिजर्वर, एक जमीन थी, ठीक है, दो पड़ोसी थे आजू बाजू, एक रेलेंट था, एक था फ्लेचर। रेलेंट कौन बताया, मिल का ओनर था जिसको पानी की जरूरत थी। उसकी जमीन थोड़ी ऊपर नीचे थी, और उसके पड़ोस में दूसरी की जमीन थी, वो कौन था, फ्लेचर। उसने यहाँ पे क्या बना दिया अपना रिजर्वर, यहाँ पानी था, और इस पानी के नीचे, इस पानी के नीचे एक्चुअल में कभी कभार होता है बच्चा, जमीन के नीचे बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन होता है, तो जहां उसने पानी बनाया उसके नीचे ना लोहे की क्या थी, पूरी पूरी ऐसे खदान टाइप की थी, पूरा खाली था। कैसा था, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा खाली लोहे से बना हुआ था। ऊपर उस इंजीनियर जिसको उसने बुलाया, इस इंजीनियर को बुलाया था उसने कि भाई तू रिजर्व बना। इस इंजीनियर ने देखा नहीं देखा क्या क्या नहीं पता, इसने ठीक उसके ऊपर क्या बना दिया, ऐसा रिजर्वर बना दिया। और जब रिजर्वर उसने बनाया, ये रिजर्वर पूरा फूट फाट गया। ठीक है, जब उसमें काम बन के तैयार हो गया, कुछ टाइम बाद देखा कि फूट गया। कैसे फूटा समझना, बाजू में फ्लेचर की जमीन थी, उसका भी यहाँ पे कोल माइन का काम चल रहा। अब कोल माइन के अंदर क्या होते हैं, फैक्ट्रीज के लेबर काइंड ऑफ रहते हैं, बेचारे अंदर काम कर रहे थे। ये जो लोहे की पुरानी सड़न वाली जो होल ऑलरेडी था उससे, और यहाँ पे कोल माइन का काम चल रहा था, यहाँ से पानी क्या हुआ बच्चा, जमीन ऊपर नीचे समझो, तो पानी कहाँ जाता है, ऊपर ही रहता है कि नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। ये पानी इस लोहे के इस कवर से जाती है नीचे, और यहाँ क्योंकि खदान में काम चल रहा था और यहाँ लोग थे, पूरा पानी भर जाता है और लोगों की डेथ हो जाती है। ये मिल ओनर था, ये मिल का काम करता था, और ये माइन का काम करता था, माइन में लोगों की हो गई डेथ। तो इस फ्लेचर ने किस पे केस कर दिया, रेलेंड में केस कर दिया। तो रेलेंड वर्सेस फ्लेचर केस ये था, दो पड़ोसी आपस में बाजू में रहते थे, लेकिन ये पानी पूरा उधर बह के निकल गया। ये केस समझ में आ रहा है, समझना। नालायक जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने क्या किया, स्टफ मतलब क्या होता है, वही जो मैंने आपको दिखाया, ये जो लोहे का पूरा, ठीक है। कंटिन्यू टू वर्क, वी हैव सो मच वर्क टू डू। उसने काम डायरेक्ट चालू कर दिया, उसने ये सारी चीजें देखी भी नहीं। तो केस ये बना, फ्लेचर ने बोला कि भाई इतने लोग जो मर गए हैं, इसका कंपनसेशन किसका देना बनता है, किसका देना बनता है, रेलेंड का। अब मुझे बताओ, रेलेंड ने अपने अंडर में एक कॉन्ट्रैक्टर रखा था, कैसे
एलियन की कोई भी गलती है, लेकिन कानून बोलता है, कानून बोलता है आपकी कोई गलती हो चाहे ना हो, जमीन के मालिक कौन है? आप हो। आपने अपने अंडर में किसको रखा था? उस इंजीनियर को रखा था, उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को रखा था। उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को आपको बताना था, उसने नहीं बताया। मुझे बताओ, इस फ्लेचर की कोई गलती थी क्या? इस फ्लेचर को तो नुकसान की भरपाई चाहिए ना, अपने वर्कर को पैसे तो उसको दिलवाने हैं। तो फ्लेचर ने केस कर दिया, और फ्लेचर ये केस क्या हो जाता है, जीत जाता है, और रेलेंट को ये पैसे देने पड़ते। रेलेंट चिल्लाता रह जाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो नलायक कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, तो भी उसकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि लॉ एकदम क्या है, लॉ एकदम क्या है, स्ट्रिक्ट। लाइबिलिटी आपकी अराइज करता है, स्टार्टिंग में इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया गया था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब आपकी हमेशा लाइबिलिटी रहेगी, चाहे आपकी गलती ना हो तो भी, हो तो वैसे फंसोगे, ना हो तो भी फंसोगे। आपका कोई इंटेंशन नहीं था बाकी वाले लोगों को मारने का, आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी, लेकिन स्टिल आपकी लाइबिलिटी बनती है। इज दैट क्लियर? पक्का? ये केस समझ में आया? पहले बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस केस को अप्लाई करने की। सबसे पहला क्या लिखा है? डेंजरस थिंग। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में, क्यों रेलिंग फंसा? रेलिंग इसलिए फंसा क्योंकि ये तीन कंडीशन फुलफिल हुई थी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में क्या रखते हो? डेंजरस थिंग, और वो डेंजरस थिंग आपके हाथ से स्केप हो जाती है, नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड, आप उसका कोई नेचुरल तरीके से यूज नहीं कर रहे थे, क्या वो पानी, वो रिजर्वर बनाना, मुझे बताओ, डेंजरस था? क्या वो पानी स्किप हो गया उनके पास से? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी डेंजरस चीज रखते हो, तो मेक श्योर वो चीज आपके पास से कहीं भी जानी नहीं जाए। अगर वो आपके पास से स्किप हो जाती है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इज दैट क्लियर? एक्चुअली में पता ही नहीं था, गलती आपकी है, डेंजरस चीज तो बनाई ना, ये चीज कभी ना कभी किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचाएगी। चलिए एक और केस समझते हैं बच्चा। एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, ये हमारा साइंटिस्ट, ठीक है? अरे साइंटिस्ट तो ऐसा होता है, ठीक है? उसकी ये जमीन, साइंटिस्ट छोटे छोटे प्लांट्स में कर रहा था एक्सपेरिमेंट, वो प्लांट्स से थोड़े से हार्मफुल थे, जहरीले थे। यहाँ उसने पेड़ लगा लिए, ठीक है? अब पेड़ बड़े हो जाते, बड़े हो जाते, और एक टाइम बाद उसकी टहनी नीचे गिर जाती है, तो टहनी क्या होने लगी बच्चा? दीवार के नीचे आने लगी। बाजू में एक बंदा था जो गुजर रहा था, उसके पास था एक घोड़ा, है ना? थोड़ी मेरी ड्राइंग समझ जाना यार, ठीक? उस घोड़े को लगी भूख, उस घोड़े ने क्या किया? खा लिया वो जहरीले पौधे। क्या साइंटिस्ट के पास जहरीली चीज थी, डेंजरस थिंग था? क्या वो डेंजरस थिंग उसके पास से एस्केप हो गई क्या? हाँ हो गई। नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कोई नेचुरल नहीं था, वो खुद से जंगली पौधा उगा और किसी ने खा लिया, ऐसा नहीं है, खुद ही ने उगाया था ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर आप अपने घर में कोई भी डेंजरस चीज रखते हो, तो आप उसके लिए कैसे भी रिस्पॉन्सिबल होगे। बाजू में एक डॉग रखा है, नालायक है वो डॉग, जिसे चाहे काटता रहता है, तो मालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बांध के रखने की? ना जब भी किसी को कुत्ता काटता है तो आंटी क्या बोलती है, संभाल के रखना चाहिए ना, बांध के रखना चाहिए ना। अरे भाई उसने बांध के रखा था, छोड़ के निकल गया, टूट गई रस्सी, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर घूमते घूमते ऐसी रस्सी पकड़ी हुई है, वो थोड़ा सा जंप मार के भी काट देता है किसी को। तो क्या आपके पास डेंजरस चीज है वो डॉग? हाँ, जो सबको काट रहा है, डेंजरस है वो। क्या वो आपके पास एस्केप हो गया है? हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे उसे अगर कोई भी चीज आप डेंजरस रखते हो, तो बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो प्लीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेंशियल ऑफ दिस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया डेंजरस है। अगर आप कुछ भी ऐसा खतरनाक चीज रखते हो, मान लो हम अपनी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी खतरनाक चीज रखते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इसमें, अब कोई आके किसी को झटका लग जाता है, तो गलती किसकी है? उसकी, जिसने वो डेंजरस चीज रखी। भोपाल गैस कांड, क्या था भोपाल गैस कांड? गैस फैल गई थी। मुझे बताओ, वो तो फैक्ट्री थी ना, किसी की कोई गलती नहीं। मान लो एक गैस किट रखा है, अचानक से बिजली कड़कती है और एक शॉर्ट आ जाता है, उसमें सब मर जाते हैं, तो डेंजरस चीज आपने रखी थी ना कभी उसके साथ कुछ होता ही, तो अब वो बेचारे लोग जो उसके कारण मरे, उनकी कोई गलती, उनको तो मिलना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो साफ साफ क्या बोल दिया जाए,
अगर आपने कोई भी डेंजरस चीज रखी, वो कैसे भी जाए तो किसी गलती है, किसी गलती है उसके मालिक की। भोपाल गैस कांड उस मालिक की गलती है, वही फंसेगा। इज दैट क्लियर? तो डेंजरस चीज रखनी ही नहीं है, और अगर रख ली, चोर भी चोरी करके कुछ करता है, वही वही घोड़े का अगर एग्जाम्पल दूं, ये साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट था, ठीक है। तूफान आता है, क्या आता है बच्चा? तूफान आता है, टहनी टूट के गिर जाती है और घोड़ा कहीं और खा लेता है, और पता चल जाता है कि टहनी कहाँ से है, ये जहरीले पौधे हैं कहाँ, किसी के पास मिलते, तो किसी गलती है? साइंटिस्ट की गलती है। भैया आपको करना है डेंजरस चीज को कैसे भी कवर करो, भैया फेंसिंग कर दो खतरनाक तरीके से, ऊपर की रूफ भी फेंस करवा दो, हमें नहीं लेना देना। डेंजरस चीज रखा है तो आपकी तो गलती है, दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? केस का नाम बताओ जो केस आपने पढ़ा, डेलिन वर्सेस फ्लेचर, याद रहेगा? चलिए, तो उन्होंने लिखा है, इन केस थिंग कलेक्टेड, अगर आप क्या कर रहे हो, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, जैसे कि वो रेलिन में था, तो बच्चा यस दिक्कत हो जाएगी। एसेंशियल स्केप होना, नॉन नेचुरल यूज हो रहे हैं। चलिए अब समझना, कुछ डिफेंस और कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ डिफेंस और कुछ एक्सेप्शंस है। पहला क्या लिखा है, प्लेंटी बोन डिफॉल्ट, ये सब क्या है? चलिए घोड़े का एग्जाम्पल फिर से, फेंस अच्छे से लगा के रखी थी साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट घर पे नहीं था, वो घोड़े का मालिक बहुत ही नालायक, बोर्ड भी लगा था, बोर्ड भी लगा था कि भाई ये जहरीले पौधे, इसे खाना नहीं, जान पे आ जाएगी, लेकिन वो ताला तोड़ के, है ना, फेंसिंग को कट कर कर अंदर घुसाता है और फिर खा लेता है। जनरल रूल, जनरल रूल, साइंटिस्ट तो रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेप्शन, जनरल रूल, साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से सारा बेस्ट दिया, लेकिन वो क्या लिखा है, प्लेंटिफ मतलब कौन, केस फाइल करने वाला, उसकी खुद की गलती है। क्यों खुद की गलती है भाई, वो ताला तोड़ के अंदर घुस कर खा लेता है, अब साइंटिस्ट क्या कर ले? तो फिर साइंटिस्ट बच जाएगा। क्या लिखा है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक इंसान था जिसे घोड़े के मालिक से भी बदला लेना था और इस साइंटिस्ट से भी लेना था, तो उसने क्या किया, पेड़ काटा, घोड़े को जाके खिला दिया। अब केस किसमें बनेगा, साइंटिस्ट पे, लेकिन सबूत बचा, सारी चीज सबूतों पे प्रूफ हो गया कि किसने किया है, किसी थर्ड पार्टी ने दोनों को फंसाने के लिए किया है, तो क्या साइंटिस्ट की गलती है क्या? नहीं, वो तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रख रहा है, भाई कोई उसके पीछे पड़ी गया है उसको फंसाने के लिए, तो भी क्या ही करे। तो क्या लिखा है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। फिर क्या लिखा है, प्लेंटिव ओन कंसर्न, साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उस घोड़े वाले के मालिक से, क्या बोला कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे एक जानवर की जरूरत है, अपना जानवर देगा, मैं बदले में इतने पैसे दूंगा। घोड़े के मालिक ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल, और खाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे नहीं कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन ऐसे स्ट्रिक्ट वाली नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ के कंसर्न थी, उसने हाँ बोला था, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, वो एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार था। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्ट ऑफ गॉड में कौन सा आएगा, वही जो मैंने बोला, तूफान से उड़कर वो कवर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। और क्या लिखा है, स्टेटरी बोले तो लीगली अथॉरिटी, लॉ ने कहीं कुछ भी बोला, ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये वही प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ ने कल को कभी भी कोई लॉ बनाया और उसमें ऐसा बोल दिया, इसे मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे, तो फिर नहीं मानेंगे, तो जब भी जो लॉ बोले तो बच जाएगा वो इंसान। क्लियर है? कितने एक्सेप्शन है टोटल बताओ? पहला, प्लेंटिफ की खुद का डिफॉल्ट है, प्लेंटिफ का खुद का कंसर्न, दोनों साथ में बोलेंगे, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी मतलब वो स्ट्रेंजर जो दोनों से बदला लेना चाहता है, और एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान ने कर दिया, भाई अब हम क्या ही करें, ठीक है। और लास्ट क्या है, स्टेट अथॉरिटी मतलब लीगली अगर किसी ने बोल दिया, मतलब सरकार ने ही लॉ बनाया है, सरकार ने बोल दिया तो उनकी तो सुननी पड़ेगी, सरकार ने बोल दिया इस पे छूट है, तो उसे छूट मिल जाएगी। छूट ही पड़ रहे ना, कब कब छूट मिलेगी, कब कब एक्सेप्शन है, कब कब साइंटिस्ट की गलती नहीं रहेगी। एक्सेप्शन समझ में आया? चलिए, स्ट्रिक और एब्सोल्यूट लिखा है, स्ट्रिक और एब्सोल्यूट, मैंने अभी स्ट्रिक का मतलब बता दिया, लाइबिलिटी फॉर दी के लिखा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब बच्चा बात यह कि वर्ड की मीनिंग बस आपको नहीं पता रहता, इससे दिक्कत होती है। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अनेबल टू अवॉइड, कुछ ऐसी चीजें जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लाइबिलिटी फॉर द इनएविटेबल मिस्टेक और विकेरियस लाइबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल कमिटमेंट बाय द अदर्स, ये सारी चीजें एक्चुअल में इनडायरेक्टली तरीके से पूरी कवर है। सीधा यहाँ पे नोटिस करो, कौन सा केस है, रेलिन वर्सेस फ्लेचर, पूरी जो भी मैंने स्टोरी बताई, कौन सी, कि मील ओनर था, उसे वाटर की जरूरत थी, उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बताया, पूरा केस यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, ठीक है, उस केस को एक बार रीड तो कर लेना। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलिन वर्सेस फ्लेचर में। सबसे पहले क्या बोल दिया, स्केप, आपके पास कोई डेंजरस चीज थी जो क्या हो गई है, स्केप हो गई है, ठीक है, मिस्चीफ इट इज स्केप, नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मेक इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड,
इन्होंने यहाँ पे वही सारी चीज बताई। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाओ, एक्सेप्शन को फटाफट पढ़ेंगे। पहला एक्सेप्शन क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बस कवर नहीं है, बाकी हो गया ना। एक बार देख लेते कौन कौन से कवर हो। कंसर्न ऑफ द पार्टी कवर हो गया है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कवर हो गया है, स्टेट अथॉरिटी कवर हो गया है, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, स्केप ड्यूटी प्लेंटी फोन डिफॉल्ट यही हो गया। चले वापस से अथॉरिटी की बात बता रही हूँ। स्टेट अथॉरिटी मतलब लॉ, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल रूल। जनरल रूल अगर आपने डेंजरस चीज रखी है वो आपके पास से क्या हो जाती है, स्केप हो जाती है। और नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है, कोई नेचुरल तरीका नहीं, आपने आर्टिफिशियल तरीके से चीजें बनाई है, तो भाई आप गए काम से। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने में टॉर्ट का केस आपके ऊपर बनता है और सामने वाले को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे कि इन इन केसेस में आपको देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन है ना, छूट है। छूट तब जब लीगली अथॉरिटी मिल गई है कि आपको उसमें छूट मिल जाएगी। ये छूट कौन देगा, कानून देगी, सरकार देगी, पब्लिक बॉडी स्ट्रॉन्गली, समझना। मान लो आपने देखे कभी कभार सोसाइटी में बड़ी बड़ी टंकीज रखी रहती है ऊपर, वो फूट गई तो पूरी कॉलोनी बह जाएगी, किस पे केस बनेगा, सरकार पे ना। क्या बोल दिया, स्टैट्यू अथॉरिटी बनाया किसने था, सरकार, किसकी भलाई के लिए, आप लोग की भलाई के लिए। अब इस पे अगर कुछ होता है तो सरकार बोले हम तो वैसे ही पैसे देते ना, सरकार वैसे ही पैसे देती है कि नहीं देती, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो वैसे ही पैसे दे रही है। आप इस पे कोई भी टॉर्ट का केस मत बनाए, क्योंकि टॉर्ट का केस बनाएंगे पैसे तो मिलेंगे। तो स्टैट्यू अथॉरिटी, अगर कोई भी पब्लिक बॉडी ने क्या कर रखा है, वाटर स्टोर कर रखा है या फिर गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे एमपीपीबी सरकार, एमबीपी सरकार, उनकी तरफ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लोचा हो जाता है जिस कारण से लोगों की डेथ हो जाती है, तो क्या डेंजरस थिंग था, हाँ। क्या एस्केप हो गई है, हाँ। नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, खुद से आर्टिफिशियल तरीके बनाए हमने, तो केस तो बनता है। उन्होंने क्या बोल दिया, ये एक तरीके की क्या है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कानून अथॉरिटी है, इनको तो क्या मिल रखी है, छूट, मतलब सरकार पर बात नहीं आएगी। क्यों बात नहीं आएगी, सरकार पैसे नहीं देगा, सरकार वैसे ही देता है, उसकी गलती नहीं भी होता है तो भी तो देता है, अब तो गलती है तो वो देगा। आप इस पर केस मत बनाइए, केस बनाओगे लंबी प्रोसीडिंग जाएगी, हम वैसे देने को तैयार है। इज दैट क्लियर, स्टैट्यू अथॉरिटी। चलिए, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, वाटर कलेक्टेड इन दी आर्टिफिशियल तरीका था ना। नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड मतलब क्या, आर्टिफिशियल तरीका, जैसे कि रेल इन्वेस्टर फ्लेचर में आर्टिफिशियल तरीका क्या था, पानी खुद से थोड़ी ना आया था, कभी कभार पानी खुद से जमा हो जाता है, होता है ना कभी कभार, तालाब के तालाब बन गए खुद से, पानी है ना कुदरती है, नेचुरल है, तो एक्ट ऑफ गॉड है ना। तो अगर एक्ट ऑफ गॉड हुआ है तो बच जाओगे, लेकिन आपने आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया, पानी को स्टोर किया, अब वो पानी चला गया। आर्टिफिशियल तरीका नहीं होता, भगवान ने ही उसको भर दिया और फिर कुछ हो जाता है तो फिर वो लोग फंसते भी नहीं। क्लियर है, पक्का, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक्चुअल में मैंने अभी आपको बच्चा बस स्ट्रिक्ट पढ़ाया, नोटिस करो, मैं एब्सोल्यूट में मार्क ही नहीं किया। कौन सी लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलता है कि आप फंसोगे तीन कंडीशन में, पहली कंडीशन डेंजरस थिंग आपके पास है, स्केप हो गई है, और नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। ये तीन कंडीशन फुलफिल होती जाए आपके सर पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आएगी। एक्सेप्शन भी है, छह एक्सेप्शन थे, पहला एक्सेप्शन नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड, और बाकी सारे क्या थे, प्लेंटिफ की ओन डिफॉल्ट ओन कंसर्न, ये था एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और स्टेट अथॉरिटी। समझना बच्चा, मैंने अभी आपको बस स्ट्रिक्ट बताया है, मैंने अभी क्या बताया है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलता है, तीन कंडीशन फुलफिल होगी आप जिम्मेदार हो, एक्सेप्शन बच जाओगे, एक्ट ऑफ गॉड में भी आप बच जाओगे। ठीक है, क्लियर है। अब नोटिस करो, मैं अब पढ़ाने वाली हूँ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में साफ साफ कंसेप्ट ये है, मान लो भोपाल गैस कांड का केस रीड करते हैं। ठीक है, भोपाल गैस कांड में एम्प्लॉय की गलती थी, एम्प्लॉय मर गया, एम्प्लॉय ने कुछ पाइपलाइन थी जो इधर उधर कर दी, ठीक है, एम्प्लॉय क्या हो गया, मर गया। ठीक है, एम्प्लॉय के घर वाले सब मर गए, अकेला वो थोड़ा ना मारा, सारे घर वालों ने केस फाइल कर दिया, तो प्लेंटिफ ही था ना, उसके घर वाले प्लेंटिफ ही कहलाएंगे ना, वो मर गया उसके बिहाफ में उसके लीगल हायर्स आ गए, तो प्लेंटिफ केस करने वाले को बोलते, उन्होंने केस कर दिया कि भाई देखो हमें कंपनसेशन चाहिए। हमने एक्सेप्शन पढ़ा, एक्सेप्शन क्या पढ़ा, प्लेंटिव बोन डिफॉल्ट पढ़ा, कायदे से तो पैसे किसी को नहीं मिलने चाहिए, क्यों, क्योंकि किसकी गलती थी, प्लेंटिव की खुद की गलती है। कुछ गलत नहीं लग रहा तुम लोग को, गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो भाई मिलना तो चाहिए, लेकिन नहीं मिलना चाहिए ना। वो जो फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक साफ बोल रहा है, एम्प्लॉय में लिखा था कि भैया उसको टच मत करना, मत करना,
उस नालायक ने क्यों टच किया, मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ तो कायदे से मालिक से पैसे मत मांगो ना, किससे मांगो, उस एम्प्लॉय से मांगो। अब मुझे बताओ मांग सकते हैं क्या? हमारा जो इंडियन लॉ है वो थोड़ा इमोशनल ज्यादा है कंपैरिजन टू बाहर। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया में लगता है। इसलिए स्ट्रिक्ट के साथ क्या लिखा है, एब्सोल्यूट। इंडिया इंडिया में लगता है एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लगता है इंग्लैंड। ये जो टॉट का जो लॉ है वो इंग्लैंड से हमने कॉपी किया, ज्यादातर जो लॉ है ब्रिटिशर्स थे इंग्लैंड, उन्होंने बहुत लॉ बना के रखे थे, हमने ज्यादातर उनकी कॉपी कर रखी, तो टॉट भी वहीं का है। ठीक है, तो जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जनरल रूल विद एक्सेप्शन है। जनरल रूल भी वहीं लगता है और एक्सेप्शन भी वहीं लगता है। हमारी इंडिया ने क्या बोला, हमारे लिए क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, कंप्लीट। स्ट्रिक्ट मतलब हम बहुत सख्त है, और एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। उन्होंने कहा चाहे भगवान ही क्यों ना करे, चाहे एम्प्लॉय ही क्यों ना करे, चाहे एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट ही साइन क्यों ना किया, गलती तो हम मालिक की ही मानेंगे। अब भगवान ने बिजली कड़काई और गैस कांड हो गया, सब मर गए। मालिक तूने डेंजरस चीज रखी थी जो तेरे पास एस्केप हो गई। एब्सोल्यूट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया लॉ क्या है, थोड़ा सा इमोशनल। वो ये कह रहे हैं भैया इनका घर कैसे चलेगा, इस नलायक ने खुद से साइन कर रखा था, खुद से उसने पैसे खा रखे थे और सबको ले बसाइए। भगवान ने बिजली कड़का दी, किसकी गलती? किसी की गलती नहीं, लेकिन मालिक तूने डेंजरस चीज रखी है, तूने डेंजरस चीज रखी है, तू फंसेगा। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बट विदाउट द एक्सेप्शन। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या बोलता है, मैं सेम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देता हूँ लेकिन मेरे में एक्सेप्शन कवर नहीं है, मैं तब भी किसको रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, बॉस मालिक को ही। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज स्टैंडर्ड ऑफ द लीगल लाइबिलिटी फाउंड इन द टॉर्ट क्रिमिनल लॉ फॉर द डिजीज। ठीक है, यहाँ पे भोपाल गैस कांड आपने सुना है, ज्यादा फेमस हुआ था। सेम एमसी मेहता का केस था, केमिकल इंडस्ट्री थी, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, फूट गया एकदम पूरा 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 केमिकल फूट गया, किसी की कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, एम्प्लॉय से हो गया कोई इधर उधर। अब मुझे बताओ, हमने तो एक्सेप्शन पढ़ा है ना, प्लेंटिव की खुद की गलती होगी तो बच जाएगा मालिक। एब्सोल्यूट क्या बोलता है, नहीं बचेगा मालिक, तू फंसेगा। समझ में आया पक्का? तो ये एमसी मेहता का केस था, है ना, पूरा फूट गया बिल्कुल जस्ट लाइक का बॉम्बे सॉरी भोपाल गैस कांड, क्योंकि भोपाल गैस कांड ज्यादा आपने सुना है। यहाँ आपको कौन सा केस याद रखना है, एमसी मेहता का केस, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल कौन सा, लेडी वर्सेस फ्लेचर, द केस ऑफ द एमसी मेहता। दोनों की अगर हम बात करें तो लेडी वर्सेस फ्लेचर केस यहाँ नहीं लगता है, कहाँ लगता है, इंडिया के बाहर लगता है, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में मेजर डिफरेंस क्या है मुझे बताओ, एक्सेप्शन किसमें कवर नहीं होते, एब्सोल्यूट में। द कंडीशन सच एज डेंजरस थिंग्स स्केप नो नेचुरल, इसमें भी है। और बच्चा यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने कहा कि ये तो है विद एक्सेप्शन है। स्केप यहाँ पे हो जाता है, इसने कहा कि भैया स्केप का भी नहीं है। लाइबिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, यहाँ पे लाइबिलिटी एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है एब्सोल्यूट, क्योंकि एक्सेप्शन में मालिक बच भी सकता है, उसे बस फंसाना है एम्प्लॉय को। ठीक है, और उन्होंने क्या बोल दिया, ओनर ऑफ द इंडस्ट्री वुड बी लाइबल इवन द डैमेज कॉज ड्यू टू द एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, किसी तीसरे ने भी सबक सिखाने के लिए कर रखा है, यहाँ बच सकता था। मैंने बताया ना घोड़े के मालिक से भी बदला लेना चाहता था, साइंटिस्ट ने भी तो फंसा दिया। इन्होंने कहा यहाँ अगर कोई स्ट्रेंजर भी कर रहा है तो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मालिक की। क्यों? क्योंकि हमारा देश थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, उसे ऐसा लगता है कि भैया जो मर गए हैं उनका घर कैसे चलेगा। तो मालिक तुम तो बहुत पैसे वाले, इंडस्ट्री खोल के बैठे हो, बाहर बैठे हो फॉरेन में, ठीक है चलिए पैसा दो, डेंजरस चीज बनाओगे तो आपको तो करना पड़ेगा। इसलिए अब नोटिस आप करोगे, बहुत टाइम से, अभी नहीं, जितने भी ऐसे खतरनाक इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, दूर दराज बनाया जाता है सिटी से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि भाई अगर आप सिटीज में रखोगे तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री तो जाएगी जाएगी, और उसके कुछ किलोमीटर तक पूरी सोसाइटी तक रेसिडेंशियल पूरा तबाह हो जाएगा, लोगों की ज्यादा डेथ होगी। ठीक है, इन्होंने बोला यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे मालिक बच सकता है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आया। कितने टाइम्स पढ़े थे किसके, ये तो पूछ लो। चलिए टॉर्टस लाइबिलिटी के काइंड है, ठीक है, सबसे पहला टाइप ही पढ़ा है, कौन सा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। स्ट्रिक्ट इंडिया में नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है, इंग्लैंड में लगता है। एब्सोल्यूट इंडिया में लगता है, सेम वही है, लेकिन बस क्या है, एक्सेप्शंस नहीं है, इसमें फंसेगा सामने वाला। तो डेंजरस थिंग तो रखनी नहीं, अगर रखनी है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब बाजू में जो कुत्ता है उसने अगर काट लिया है तो उसने डेंजरस चीज रखी है, फंसेगा वो,
ठीक है, भले वो कितनी ही सावधानी क्यों ना कर ले, क्योंकि हमारे देश में एक्सेप्शन कवर नहीं होते हैं। किसी तीसरे ने, तीसरे पड़ोसी ने दोनों से बदला लेने के लिए उसका पट्टा खोल दिया और उसने आप पे हमला कर दिया, तो भी वो मालिक ही फंसेगा, क्योंकि डेंजरस चीज उसके पास थी। क्लियर है? क्योंकि स्ट्रेंजर वाली बात इंडिया में ही लगती है क्या? नहीं, तो संभल के रहना, ठीक है। ये भी कुछ साबित